अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहब्रुक एजुकेशनल चैनल। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर द खैबर पास। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर, इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें थी, पॉइंट्स है जो कि हमने टॉपिक में डिस्कस किए थे, तो आज हम इसको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में देख रहे हैं। So the first statement of your MCQ is Khyber Pass is a narrow mountain valley with length of Khyber Pass एक narrow यानि कि तंग mountain valley है, पहाड़ों से निकलता हुआ रास्ता है, वादी है, और इसकी length कितनी है? Options आपको दिए गए हैं, option A 10 किलोमीटर, option B 20 किलोमीटर, option C 30 किलोमीटर, ऑप्शन डी 50 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी के 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि आपको दी गई है वो कुछ इस तरीके से है, दे क्रॉस द खैबर पास अबाउट 4000 ईयर्स अगो। कौन से लोग थे जिन्होंने खैबर पास से गुजर के वो गए, इसको क्रॉस किया आज से तकरीबन 4500 साल पहले? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए आर्यंस, बी मंगोल्स, सी टार्टर्स, डी अफगान्स। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी के आर्यंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सुल्तान महमूद गजनवी जो कि एक मुस्लिम कॉन्क्यूरर थे, उन्होंने खैबर पास को कितनी मर्तबा पास किया, यानी यहाँ से गुजर के गए, क्रॉस किया साउथ एशिया को अटैक करने के लिए? सो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 10 टाइम्स, 13 टाइम्स, 15 टाइम्स, 17 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी के 17 टाइम्स, 17 मरतबा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर्मरली द ट्रेड वॉज डन थ्रू द खैबर पास बाय। फॉर्मरली का मतलब है पास्ट में, यानी पिछले ज़माने में, माजी में जो भी ट्रेड है यानी तिजारत है जो कि खैबर पास से की जाती थी, वो किस चीज़ पर की जाती थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पोनीज, हॉर्सेस के बेबीज को पोनीज कहा जाता है, ठीक है, हॉर्स, कैमल्स या डंकीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी के कैमल्स। तो आपने चैप्टर में पढ़ा भी है कि पूरे पूरे कैमल कारावान्स जाया करते थे, यानी कि ग्रुप्स में जाया करते थे, और फिर वो सामान वगैरह तिजारत के लिए चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। शाह जी कॉलेजेट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेरे निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मजाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजेट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आए शाहजी कॉलेजेट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजेट ब्रांच से राब्ता करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज तोरखम इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड। तोरखम जो है वो किसका बॉर्डर है? पाकिस्तान और दूसरा कौन सा मुल्क है जिसके दरमियान के बॉर्डर को तोरखम कहा जाता है? ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि अफगानिस्तान।
तो ये जो तोरकम है ये सरहद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वी ट्रेवल अफगानिस्तान थ्रू, हम अफगानिस्तान जाते हैं किस जगह से गुजर कर। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए बोलान पास, बी खैबर पास, सी तोची पास, डी हाईवे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी के खैबर पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो के है उसमें पूछा जा रहा है, इट इज़ द हाईएस्ट प्लेस अलोंग द खैबर पास, सबसे ऊंचा मुकाम या सबसे ऊंची जगह कौन सी है खैबर पास की। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए जमरूद, ऑप्शन बी लंडी कोतल, ऑप्शन सी तोरखम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे ऊंची जगह जो भी खैबर पास की है उसका नाम है लंडी कोतल, यानी के ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है आपके पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है, द ब्रेव ट्राइब्समैन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान आर द, जो भी ब्रेव बहादुर कबीले के कबायली लोग हैं NWFP के, वो पाकिस्तान के कौन हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, आर द कस्टोडियंस, गार्ड्स, डिफेंडर्स, सोल्जर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी के डिफेंडर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द खैबर पास हैड बीन अ फेमस, खैबर पास जो है वो एक मशहूर क्या रह चुका है। ऑप्शन ट्रेड रूट, पिकनिक स्पॉट, म्यूजियम, नन ऑफ दीज। तो खैबर पास हैड बीन अ फेमस ट्रेड रूट, तजारती रास्ता रह चुका है, यानी कि ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द रेलवे लाइन वॉज लेड इन खैबर पास इन द एयर, एक रेलवे लाइन लगाई थी जो कि ब्रिटिश ने लगाई थी, और वो इसलिए थी कि वो जो भी आर्म्स हैं यानी वेपन्स वगैरह हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं। तो वो किस साल में लगाई गई थी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1925, 1926, 1927, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, यानी के 1925। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ MCQs जो के चैप्टर खैबर पास से रिलेटेड थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।